तो आज अमावस थी और हम लोग सब सुबह जल्दी उठ गए थे, नहा लिए थे और फिर हम लोगों ने नहाने के बाद प्रसाद बनाया क्योंकि पिताजी के सबके प्रसाद चढ़ाना था। और फिर मैंने खीर बनाई उनके लिए, पूरी बनाई और छोले बनाए। और इस बार मैंने एक साथ सारी पूरी बेल ली और फिर एक साथ तल ली, ताकि मैंने अकेले ने सब बना लिया और दुष्यंत ने ओगी को रख लिया। तो ऐसे करके हमारा काम मैनेज हो गया और उसके बाद हमने प्रसाद चढ़ाया और फिर हम लोग तैयार हो गए। Hi guys, welcome back to the channel which is Priyanka Rathore Vlogs. कैसे हैं आप सब? Another day, another vlog. और आज वाला vlog हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं रॉयल पर्च शो, जो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा बन जाए, तो मगर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और अभी मीनवाइल मेरे ये ड्रेस आई हुई है दो धागे से, जो जयपुर में इनका शॉप है और बहुत ही सुंदर आउटफिट है और इसका कपड़ा फैब्रिक बहुत अच्छा, और मुझे बिल्कुल लाइट कलर्स चाहिए होते हैं व्हाइट और ऐसे, तो वो वैसी सी। और ये एक फ्रॉक है तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो मैं इसका फोटोशूट करने जा रही हूँ। और एक और हैट भी आई है उसकी भी फोटोशूट करूंगी, तो मैं वहां जाके अभी मैं कोई देख रही हूँ कि अच्छी सी लोकेशन हो, तो सिटी की तरफ ही जा रहे हैं, तो सिटी की तरफ अच्छे से इसका फोटोशूट करते हैं और फिर हम लोग जाते हैं। और आप भी हमारे साथ चलिए। और आप लोग अब भी कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे, और आप लोग क्या करने वाले हो नवरात्रा, कल से नवरात्रा स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज अमावस थी तो हमने सुबह सुबह प्रसाद बनाया था और प्रसाद चढ़ाया था अमावस का, मतलब पिताजी का। और अब हम नहा धो के, मैं सुबह नहाने की बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी और फिर बस अब वो सब काम हो गए, मैंने मेरा मेकअप भी कर लिया और ये भी तैयार है, दुष्यंत भी तैयार है, अब बस हम जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। और ये हैट भी आई है, तो इसका जो सबके नाम है मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, तो आप हमारी रील चेक करना तो आपको पता चलेगा कि ये ड्रेस कहाँ से। और ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसका कपड़ा भी बहुत ही प्यारा है। ये लड़का दुष्यंत अपनी कॉफी पिक करी रास्ते में और ऑगी को बस नींद से उठा ही था और ऑगी ने पापा से कॉफी मांगी, मीन्स कॉफी तो क्या, वो दूध पीता है, चॉकलेट दूध। तो ना मिक्की अपनी कॉफी ले आया, मिक्की ने मुझसे पूछा, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं पीनी कॉफी। और फिर ना मैंने बोल दिया कि ऑगी आपकी भी कॉफी पापा नहीं लाए, और उसने रोना शुरू कर दिया, लिटरली वो रोया और फिर उसने बोला माय कॉफी। फिर पापा बोला, पापा को दी कि मुझे भाई कॉफी पिला दो। तो अभी हम बस जा रहे हैं मेरा फोटोशूट करने के लिए, रास्ते में ही है, ऑगी पूरी रास्ते में सो गया था, उठा है और हमारा लेट हो चुका है, ऑलरेडी 2:15 बज चुके हैं, हम ऑलरेडी लेट है, बट कोई बात नहीं, हम जल्दी से फोटो खींचते हैं और फिर वहां जाते हैं और फिर वहां जाके आपको दिखाते हैं। खुश होगी, कॉफी मिल गई, हैप्पी हैप्पी, कैन यू से हैप्पी हैप्पी, मतलब इस कॉफी के लिए इसने इतने रोए, इतने नाटक करे। तो हम इस लोकेशन पे आए हैं और मैं यहाँ फोटो खिंचवा रही हूँ और ऑगी है ना बर्ड्स आई है, तो हमने ऑगी को इसमें बिठाया ताकि हम फोटो खिंचा सके। हाँ बाय बर्ड्स, बट यू नीड टू सिट डाउन, सिट ऑगी, यस बाय बाय। तो ये है आज की लोकेशन जो मैंने चूज करी है साउथ बर्ड्स में, मुझे ऐसी चाहिए थी कि मैं थोड़ा सा अलग सा करूँ, बट डायरेक्ट सी फोटोज कैसे आते हैं पता नहीं है। तो ये हैट और इसके साथ लेने वाली हूँ मैं आज, और पता नहीं हमारे कैमरामैन कैसे लेंगे फोटोज आज। एक व्यू ऐसे भी दिखाती हूँ मैं आपको, बस फोटोज अच्छी आ जाए भगवान। ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है, ऑलरेडी इतने लोगों ने कमेंट भी कर दिया मुझे। बस हमारा शूट हो गया, वीडियो बना ली, बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि बच्चे के साथ में पॉसिबल बहुत मतलब बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ऑगी को भी ध्यान रख रहे थे और फिर शूट भी कर रहे थे। और बस मैंने अपने कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि मैं थोड़े से कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाना चाह रही थी, तो मैंने शॉर्ट्स ही पहना है और शर्ट पहना है, और शर्ट इज मेरा फेवरेट। और ये जो हैट है मैंने उसका ये ब्लैक डोरा हटा दिया, जो डोरा लगा हुआ था, और उसके बाद भी ये बहुत सुंदर लग रही है। और इनफैक्ट वो ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रही थी गाइस, तो आप ये देखो सॉरी कैसी लग रही है मैं हैट के साथ तो ये हैट अच्छी लग रही है बहुत, और ड्रेस भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत लाइट कलर है जैसे मुझे पसंद है। तो आप लोग इनके दोनों के पेज चेक करना, दो धागे और वेट इंडिया, ये जो हैट है वो वेट इंडिया की है और जो मेरी ड्रेस थी वो दो धागे की थी। तो बहुत ही सुंदर उनके कपड़े, उनके सलवार सूट भी बहुत सुंदर है। आप सोच रहे होंगे कि ये कह रही है कि कंफर्टेबल ड्रेस है, बट फिर चेंज क्यों की, इसलिए चेंज की क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे राइड्स भी हैं और सब है, तो फ्रॉक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वैसे हो जाती है क्योंकि आप फिर फ्रॉक को संभाल रहे होते हो, क्योंकि नीचे आप शॉर्ट्स में रहते हो तो फिर ठीक रहता है शॉर्ट्स और शूज़ में, और शर्ट पहन लो तो ठीक रहता है, राइड्स वगैरह करो तो, और बच्चे के साथ में, इसलिए मैंने अभी अपनी ड्रेस चेंज कर ली, वरना वो इतनी कम्फर्टेबल थी मेरा बस चलता तो मैं उस ड्रेस को चेंज भी नहीं करती।
तो यहाँ पे हमने पार्किंग करी है, तो जो भी पर्स है हमारे फॉलोअर्स हैं, तो ये आसपास बिल्कुल पार्किंग नहीं होती है, तो आसपास जो स्कूल है वहाँ पार्क कर लो, $20 लेते हैं और फिर यहाँ पे उनकी बस आएगी, वो बस अपन को लेके जाएगी पर्स शो जो होता है ना, जो हो रहा है वहाँ पर। तो अभी बस हमने पार्क करी है, ऑनलाइन पे करोगे तो $20 है, $25 आपको लगेंगे, मतलब वहाँ से डायरेक्ट लोगे तो। ये यहाँ पे जो पार्किंग वाली गर्ल्स हैं उनको आंटी आंटी कर रहा है कि आंटी आंटी आंटी, सुन ही नहीं रही आंटी का वो बेचारी, आंटी यहाँ पे आंटी नहीं बोल सकते ना आप ऐसे किसी को भी, तो आंटी आंटी बोलता है आजकल ये सबको। और ये यहाँ बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बस आएगी, बस आ गई, बस आ गई। तो ये बस आ गई है, ये बस लेके जाती है आपको शो ग्राउंड तक। अब उन्होंने बोला है कि ना प्रैम, मतलब जो आपकी बाइक है उसको बंद कर दो और इसको बच्चे को बाइक से हटा दो। बस कमिंग कमिंग बस। और हम पहुंच गए हैं और यहाँ तो म्यूजिक चल रहा है, कॉपीराइट होने के बहुत चांसेस हैं। तो यहाँ पर ये सारे कुत्ते हैं, देखो कितने सुंदर सुंदर कुत्ते हैं, और इनको आप पेट भी कर सकते हो, प्यार भी कर सकते हो। ऑगी कुत्ते को पाल करना है, ऑगी तो इन कुत्तों को बढ़िया प्यार कर सकते हो आप। ये डॉगी देखो कितना बड़ा डॉगी है, डॉगी वाओ ब्यूटीफुल स्काई। इसको डांट आएगी, ये भाग रहा था तो इसको डांट लगाइए कि भाग मत, क्यों क्या करने के लिए यहाँ पे। और ये और कोई डॉग है, इसका नाम क्रंची और सोनिक्स का नाम है, इतने प्यारे प्यारे डॉग्स हैं। मैं साथ साथ निकजा को भी दिखा रही हूँ क्योंकि यदु को डॉग्स का बहुत शौक है, तो यदु भी डॉग्स देख रहा है साथ साथ वीडियो में। तो यहाँ डॉग शो होने वाला है, कितनी सुंदर है इसकी, ये लोग हेयर कट कर रहे हैं उसको, सुंदर सुंदर बना रहे हैं। और ये सैड हुई भी बैठी हुई है, चुपचाप से सो रही है। और ये एक और डॉग, और ये अंदर बैठा एक और डॉग, और काफी भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ है बिकॉज आज संडे भी है और कल पब्लिक हॉलीडे भी है, इसलिए तो बहुत ज्यादा भीड़ है। भीड़ देख रहे हैं आप, इतनी ज्यादा हो रही है। यहाँ कोकोमेलन का शो होने वाला है तो थोड़ा सा लेट होएगा, शायद 4:35 पे होगा, तो अभी हम सोच रहे हैं पहले कुछ खा लें, भूख लग गई थी। एम्बुलेंस आई है, शायद किसी को लग गई होगी, कुछ हो गया होगा। तो और ये गुड़िया के बाल, किस किस को याद है गुड़िया के बाल, तो ये है गुड़िया के बाल, मेरे तो बहुत फेवरेट होते थे, तो बहुत ज़्यादा खाती थी। दुश्मन यहाँ चिप्स ऑर्डर करने आया है, पिज्ज़ा भी ठीक है, ये चिप्स खाता है ना, इसलिए बस के लिए चिप्स करो कि शो स्टार्ट होने वाला उससे पहले। ऑगी को अच्छा लग रहा है, ऑगी को मजा आ रहा है, आउल क्या, आउल यस मंकी नॉट लायन मंकी। वाओ ये क्या है, ये ड्रैगन है। अब हम एनिमल्स देखने जा रहे हैं, तो काफ़ी जगह म्यूजिक चल रहा था, तो फिर मैंने टीचर से बोला है ताकि मैं आप लोगों को दिखा भी सकूँ, बट वॉइस ओवर दे दिए मैंने, और अभी अब आपको दिखाती हूँ एनिमल्स।
वाओ अगी एनिमल्स, ये सब क्या है? अच्छा ये वो जो खेतों में खड़ा करते हैं ना, मिकी ये खेतों में खड़ा करते वो हैं क्या? तो ये देखो ऐसे खेतों में खड़ा करने वाले हैं, तो अपन लोगों को भी अब खेतों में ऐसी चीजें ही खड़ी करनी पड़ेंगी। बिग चिकन होगी, बिग चिकन क्या है? शीप की बड़ी है ना, बड़ी बड़ी सॉफ्ट है, हाथ लगा के देख कितनी सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। और ये डॉगी सो रहा है यहाँ पे, तो ये जो शीप की जो डॉग्स है इनका ध्यान रखते हैं। दुष्यंत बता रहा था, दुष्यंत अभी रहते हैं ना, शीप के डॉग्स ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हैं ना डॉग्स, तो ये डॉग्स इनका ध्यान रखते हैं पूरा। इसको देखना, ये यहीं पे खड़ा होके देखने के लग गया है, अंदर जाने होगी D1 to points। इसको देखना, ये यहीं पे खड़ा होके देखने के लग गया है, अंदर जाने होगी D1 to points। Touch, you want touch? Baby, no, 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 okay, 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 baby, इनके बेबी है होगी, और ये इतनी छोटी सी काउ है यहाँ की, बड़ी काउ है मतलब ये बेबी काउ नहीं, बताइए ये बड़ी काउ है बेबी काउ नहीं है? ऑगी पिग, पिग इज हियर, और ये बेबी पिग मम्मा का दूध पी रहे, देखो ऑगी मम्मा का दूध पी रहे, ये मम्मा का दूध पी रहे बेबी, so many baby। और ये कितना बड़ा है आप देख सकते हो, बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखा मतलब हम सामने हमें पता चल रहा है बहुत बड़ा है, बड़ा है, वीडियो में इतना बड़ा नहीं दिख रहा है। तो ये काऊ का बच्चा ही है, दुष्यंत ने कहा ये बच्चा है, मम्मा थोड़ी है, बच्चा ही है पक्का, ऑफ कोर्स यार। क्या है ये? ये क्या पोनी बोल रहे हैं ना, ये पोनी बोलते हैं इनको, छोटे छोटे हॉर्सी जैसे होते हैं ये काऊ कम, ये देखना काऊ का ये इतना बड़ा फैन है कि बस बैठ गया बोल रहा है काऊ कम, आगे बोल काऊ आजा आजा। कहाँ काऊ, दूधू किधर है? काऊ दूदू, ये देखना तो रानी के चक्कर में, नहीं बैठना ऐसे है? इसको ऊपर बिठाया है पर बदमाश, नहीं बैठा है, नहीं बैठना ऐसे है? इसको ऊपर बिठाया है पर बदमाश, नहीं बैठा है। और ये सर्कस है यहाँ पर, और ये सारे यहाँ पे झूले हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और यहाँ पर बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, तो मैं और ओगी दोनों डांस करने लग गए, मुझे पीछे वॉइस ओवर देना पड़ा वरना मैं ये अधिकर म्यूज़िक का कॉपीराइट नहीं होता, तो मैं आपको पक्का म्यूज़िक भी सुनाती, और साथ में हम दोनों डांस कर रहे थे। और उसके बाद ये जो बड़े बड़े राइड्स थे, माय गॉड, मैं तो कभी मेरी ज़िंदगी में इन राइड्स में ना बैठूं, मुझे कोई कितने भी रुपए दे देना कि इस पे बैठना है तो मैं तब भी ना बैठूं, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, ऊंचाई से, हर चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है। और दुष्यंत मुझे कह रहा था जाके बैठो, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। Ladies and gentlemen, we have another winner over here, ladies and gentlemen.
फिर ये वाला राइड तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, मतलब मुझे तो इसको देख के डर लग रहा था। इसमें ये लोग लेटे हुए थे और ये पहले नीचे था, फिर धीरे 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 ऊपर हो गया और फिर इतना तेज़ चलने लगे। अब आएगा और मैं नहीं बैठ सकती। क्या लिए ओगी ने बताओ सबको? जे जे क्या लिए? जे जे स्माइल देखना, जे जे लिया होगी तो जे जे हाई होगी, हाई होगी। खुशी देखो, खुशी देखो, इसकी खुशी देखो। डोनट्स खा रहे और ये वॉफल विद क्रीम। कोको मैन को बिठा दिया इसने सीट पे और अभी खुद चलाएगा गाड़ी। के बाद यहाँ पे रात को इस स्टेडियम में सारा शो और सब कुछ थे, यहीं पे फायरवर्क्स हुए थे और यहीं पे ड्रोन शो हुआ था और उसके बाद यहाँ पे लोग डांस कर रहे थे और अपने अलग अलग कल्चर के डांस थे। तो हमने थोड़ी देर ही यहाँ पे देखा था क्योंकि काफ़ी ठंड भी हो रही थी और ऑगी को उसके राइड्स भी झुलाने थे। अब यहाँ पे छोटे बच्चों के जो अंडर 2 एज के हैं उनके राइड्स हैं, तब ऑगी को राइड्स कराने के लिए लाए हैं। मतलब उसको कोको मेलन चाहिए था, उसने कहा मम्मा कोको मेलन, तो मैंने उसको बोला उसको दे दे प्लीज। कोको मेलन को बिठा रहा है साइड में, कोको मेलन को बिठा रहा है। गोली घूमता है अगर बीच में से घुमाओगे तो। तो ऑगी का ये वन ऑफ एक फेवरेट और चीज़ है कोकोमेलन। तो उसका कोकोमेलन ही फेवरेट नहीं है, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें फेवरेट है, तो मगर उसमें से कोकोमेलन भी है। फिर उसने ये बैग देखा तो उसने ये भी खरीदा अपने लिए। बस अब हम बस से आ गए हैं और हम पार्किंग में हमारी कार ढूंढेंगे और अब हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ से बस जा रही है इसलिए यहाँ बहुत अच्छी लाइट्स है, तो मैंने सोचा यहीं पर वीडियो बना लूँ। तो अभी हमको हमने फायरवर्क्स नहीं देखे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब ठंड भी हो रही थी और 8:30 हो गए थे, मतलब नहीं 8:30 नहीं 8 बज रहे थे। और ऑगी भी अब उसके सोने का टाइम हो गया है तो वो थोड़ा सा सेटल नहीं हो रहा था, वैन में रोने जैसा हो रहा था उसका, थोड़ा सा सैड हो रहा था, खुश है। बट अब हमें घर जाने का टाइम है तो मैं आपके पास घर जाती हूँ। हम लोग जस्ट अभी घर आए और रास्ते में हमने बस वो डोमिनोज पिक किया, रास्ते में खाना खा लिया और ऑगी को नींद आने लग गई थी। अच्छा हुआ हम टाइम पे निकल गए, हमने फायरवर्क्स नहीं देखे क्योंकि हमने बाहर से ही देख लिए, अंदर नहीं देखे क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने अंदर से देखे तो बाहर बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, जब एंड में सब एक साथ निकलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फिर हमने पता है जल्दी से निकले और हमने बस पकड़ी और फिर बस में से हमने कार पार्किंग से कार ली, फिर घर आए, फिर रास्ते में पिज़्ज़ा खा लिया। अच्छा हुआ पेट भर गया, रास्ते में मतलब मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने रस्ते में खा लिया हम सब ने तीनों ने। और उसके बाद हम बस अभी जस्ट घर आए, दुष्यंत ऑगी के कपड़े चेंज कर रहा है, नैपी चेंज कर रहा है, नाइट सूट पहना रहा है। जितने मैंने सोचा मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ और उसके बाद में मैं आपको ना वो
जो मैंने कोकोमेलन का वो जो ऑगी ने वहाँ पे आज ना ही कोकोमेलन का बैग लिया और एक कोकोमेलन लिया, तो वो मैं आपको कभी और दिखाऊंगी, पर बहुत सुंदर था वो, उसमें सब चीजें थी जो बहुत अच्छी थी। ऑगी का फेवरेट है कोकोमेलन, कई चीजें फेवरेट है, उसमें से वन ऑफ एक कोकोमेलन भी है। तो बस अभी मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, होप आपको अच्छा लगा हो, और यदि आपको अच्छा लगा है तो क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए हमारे चैनल को और लाइक करना चाहिए इस वीडियो को और कमेंट करना चाहिए, और मैं ऐसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लाऊंगी आपके लिए। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर हो सकूं, और मुझे माफ़ करना अगर मैं रेगुलर नहीं होती हूँ तो प्लीज़ मुझसे सच में माफ़ करना। और ये जो पीछे दिख रहा है ये मेरे अभी रिसेंटली जो सलवार सूट्स वगैरह जो मैं इंडिया से लेके आई हूँ वो है, और इसके पीछे भी कपड़े और इसमें भी और है, मैं स्नीक पिक थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको, बाद में पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। और आप लोगों ने कहा था मुझे प्लीज़ होम टूर करके दिखाओ, तो मैं अभी नहीं थोड़े टाइम में आपको होम टूर दिखाऊंगी, बट थोड़ा सा टाइम और से दो मुझे, आराम से दिखाऊंगी मैं। बाकी अभी मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, मेकअप धोती हूँ, मैं पूरा मेकअप का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना मेकअप रिमूव कैसे करती हूँ, तो वो भी मैं आपको सब धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोज में शेयर करूंगी। तो आज का इतना ही था, और प्लीज 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 जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग।